CIS, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिन जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने ख्वाब को पाने के लिए जिद पर अड़े होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे और हमने समानता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 पढ़ा था, अब हम आज आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 में आपने देखा था कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण के बारे में जाना था, और अब ये आर्टिकल 15 क्या कहता है ये देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है केवल नागरिकों को प्राप्त, यही विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल है इसमें जो भी बातें दी हुई हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त होती हैं, यानी कि ये अधिकार जो मिलता है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब आर्टिकल में जो क्लॉजेज हैं वो क्या क्या कहते हैं, अगर आर्टिकल 15(1) यानी कि क्लॉज 1 की बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है राज को केवल 5 आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है ये आर्टिकल राज्य को। इसमें दो बातें दिख रही हैं, राज्य को रोकने की बात चल रही है भेदभाव से और किसके नागरिकों के साथ भेदभाव से, और दूसरी बात है कि 5 आधार की बात की है। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, वैसे सही मायने में आर्टिकल 15 क्या कहता है अब आप नीचे देखेंगे कि आर्टिकल 15 में एक्चुअल में लिखा क्या है। आर्टिकल 15(1) में लिखा है राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, यानी कि जो 5 बातों की बात की है वो यही 5 बातें हैं। तो और एक वर्ड आपको दिख रहा होगा केवल, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, यानी कि इन 5 बातों को ही शामिल किया गया है कि जिनके आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा कौन, राज्य। अब ये क्या चीजें हो गई, 5 को यही याद रखना है, विशेष तौर पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई एक। इसका मतलब यह है राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। अब बात करते हैं 15(2) क्या कहता है। 15 आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है किससे संबंधित है, राज्य व नागरिकों दोनों की बात की गई है, यानी कि दोनों के लिए, नागरिकों राज्य व नागरिकों दोनों को किसी नागरिक के साथ उपरोक्त 5 आधारों पर कुछ स्थानों पर भेदभाव करने से रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसके आर्टिकल में जो लिखा है उससे समझेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग कोई नागरिक यानी कि कोई भी सिटीजन केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, यानी कि जो ऊपर 5 चीजें दी हुई थी केवल इन 5 के आधार पर, कहाँ कहाँ मतलब प्रवेश से मनाही है, रोका जाएगा मतलब नहीं रोक सकता कोई इन जगह पर एंट्री या प्रवेश से, ऐसी जगह कौन कौन सी है, दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। तो ये जो जगह है यहाँ पर किसी भी नागरिक को कोई अन्य नागरिक या राज्य प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, यानी हर किसी की एंट्री हो सकती है। जैसे कोई कह दे कि इस होटल में किसी कास्ट के बेस पे अगर कह दिया जाए कि इस कास्ट के लोग इस होटल में नहीं रुक सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो गया, किसके, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। ऐसे ही किसी सार्वजनिक भोजनालय की बात हो गई, वहां पे लिख दिया गया कि केवल कास्ट के बेस पे केवल इस कास्ट के लोग ही यहाँ पर भोजन कर सकते हैं या फिर इस कास्ट के लोग भोजन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क वगैरह है, कुछ भी है, तो वहां पर कोई बोर्ड लगा दे कि यहाँ पर दलितों की या फिर मतलब इस जाति के लोगों की एंट्री प्रतिबंधित है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 15(2) हमें किसी भी नागरिक को ये अधिकार देता है कि मतलब वह इस जगह प्रवेश से उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही इसका 15(2) का ही दूसरा पार्ट क्या कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जैसे जो कोई भी पार्ट पूर्णता या भागता, यानी कि होली या पूर्ण रूप से या पार्शियली, जो राज्य की निधि से पोषित हो, यानी कि राज्य का जो उसमें पैसा लगा हो,
फंडेड बाय द स्टेट फंड, तो ऐसी कोई जगह हो, तो या फिर ये साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कोई जगह हो, जैसे कोई पार्क वगैरह हो गया। तो अब क्या चीज हो गई कि ऐसी कोई जगह हो, तो वहां पे क्या बात आ रही है, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से क्या संबंध है। मतलब ये जो सारी चीजें हैं, इन जगहों पर किसी को भी इनके उपयोग की मनाही नहीं है। वैसे तो इसमें इन इन शब्दों को लिखा है, किसी भी निरयोगता, दायित्व तो निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब वैसे सही शब्दों में माना जाए तो, साधारण शब्दों में जाने तो, इतने जो ये स्थान दिए हुए हैं, ये या तो पूर्णतया या भागतया राजनिधि से पोषित हो, या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित स्थान है, जिनमें से इनके कुछ के नाम दिए हुए हैं। तो इन स्थानों के उपयोग के लिए किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी जाए कुएं पे जाके अपना पानी भर सकता है, तालाब में जाके स्नान कर सकता है, स्नान घाटों पे जाके अपना पूजा अर्चना करनी हो या कुछ भी कर सकता है, या किसी भी सड़क पे कोई भी चल सकता है। तो ये सारी चीजें एक किसी भी सिटीजन को ये अधिकार मिले हुए हैं कि कोई इन्हें रोक नहीं सकता। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं 15 क्लॉज 3 की। ये इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य को उपरोक्त आधारों पर भेदभाव की मनाही तो है, परंतु राज्य क्या स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है? कर सकता है। इसे सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। अब हमने ऊपर देख तो लिया था, किसकी बात में, लिंग की यानी कि सेक्स की बात की थी, तो उसके आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों की बात की जा रही है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये जो हमने जाना था वो क्या जाना था, तो हमने क्या जाना था कि मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, भेदभाव की बात की जा रही है कि इनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। विशेष प्रावधान का मतलब है कि भेदभाव की बात हो रही है, लेकिन अब यहीं पर हम जो आर्टिकल 14 में जाने थे कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि स्त्रियों और बालकों के लिए, कि इनके विकास के लिए हम कुछ भी, मतलब राज्य राज्य की बात हो रही है, राज्य प्रावधान कर सकता है। अब वही बात, अब आर्टिकल में क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात राज्य इनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे पंचायत व नगर निगम चुनावों में महिला के लिए सीट आरक्षण होता है, ऐसे बालकों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, तो इसका मतलब यह है स्त्रियों और बालकों के लिए किया जा सकता है, इन दो के लिए। अब बात आती है आगे, क्या राज्य, अब एक प्रश्न की तरह समझिए, क्या राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, या कहें कि आरक्षण दे सकता है क्या? अब इस बात को समझने के लिए, ये तो शुरू के जो 3 क्लॉज थे, ये तो हमारे संविधान में पहले से ही, जब संविधान लागू हुआ था तभी से थे, लेकिन ये अब आगे के जो आर्टिकल होंगे, मतलब आर्टिकल 15 के जो क्लॉज 4, 5 और 6 होंगे, ये बाद में जोड़े गए थे। अब ये कब कब जोड़े गए थे, इन्हीं के बेस पे अब ये समझते हैं। अब एक इसके लिए एक समझिए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस। अब इसमें क्या होता है कि मद्रास प्रोविंस जो होता है उसमें कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है। ये किससे संबंधित था, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, जो राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज थे उसमें जो एडमिशन से संबंधित था। अब इसमें था क्या, इस ऑर्डर में था कि जो भी सीट्स हैं वो क्या कास्ट बेसिस पर फिल की जाएंगी, मतलब जो रिजर्वेशन दे दिया गया था उसमें कास्ट बेसिस पे। अब हम जो देखते हैं कि कास्ट बेसिस पे तो हम रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि कास्ट बेसिस की बात की गई थी 15 क्लॉज 1 में, हमने कह दिया है कि हम 5 जो आधार हैं उनके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन कास्ट के बेस पे हम इसमें तो दिया हुआ है कि भैया कास्ट के बेस पे मतलब एडमिशन की बात चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहीं से हमें पता लगा कि मतलब मिस चंपकम दोराई राजन थी, उनको इस कास्ट की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया था, कास्ट के रिजर्वेशन की वजह से। तो इन्होंने यही जो हमारा 15(1) जो आर्टिकल, मतलब फंडामेंटल राइट के आधार पर उन्होंने इसे चैलेंज किया, क्योंकि ये चीज़ चली आ रही थी पहले से, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से
ये प्रोविंस में ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया हुआ था, लेकिन ये लागू उसके बाद भी हो रहा था। तो इन्होंने जब ये चैलेंज किया कोर्ट में, तब कोर्ट ने ये कहा कि मतलब इस जो कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अब ये चीज़ यानी कि क्लियर हो गई कि कास्ट के बेस पे किसी भी संस्थान में एडमिशन के टाइम पे हम नहीं दे सकते। अब इस बात पे आते हैं कि अब सरकार इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सरकार ने आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा, इस आर्टिकल की जो भी आर्टिकल में 5 ग्राउंड दिए हुए हैं या सब कुछ है, कि या आर्टिकल 29 की कोई बात, आर्टिकल 29 में भी हम देखेंगे क्या लिखा है, कि कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC ST के लिए कोई विशेष प्रबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि वो OBCs यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक SC और ST के लिए विशेष प्रबंध कर सकती हैं, और किसके होते हुए, इस आर्टिकल की कोई बात होते हुए या आर्टिकल 29 की भी कोई बात होते हुए भी कर सकती है ऐसा। अब ये किससे संबंधित बात आ रही है, कि इन लोगों की उन्नति से संबंधित। अब यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर कास्ट के बेस पे नहीं किया गया है। अब हम जो जैसे ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं 5 आधार, तो उसमें कास्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है वर्ग की, क्लासेस में। अब हमने उन्हें क्लासेस में बांट दिया, सरकार ने क्या किया, उन्हें सारी जातियों को और उनको क्लासेस में बांट दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक, तो इनको उस में बांट दिया। तो इस आधार पे हम जो है विशेष उपबंध राज्य कर सकता है उनके लिए, जैसे किसी निर्वाचन में सीटों में आरक्षण कर देते कि SC के लिए इतनी सीट और इसके लिए इतनी सीट, या फिर इसमें ये व्यक्ति इस एरिया से OBC के लिए रिजर्व कर दी गई है सीट, तो ऐसे, और ऐसी OBC वगैरह के लिए शुल्क में छूट वगैरह का। तो ये कब जोड़ा गया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये क्लॉज 15(4) जोड़ा गया है। तो अब यही चीज़ें अब हम और डिटेल में समझते हैं, इसको दो केसेस को जानना ज़रूरी है। एक केस है MR बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर, और एक केस है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले MR बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर को समझते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए मैसूर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था 1962 में। अब इसमें क्या था कि द स्टेट क्लासिफाइड द बैकवर्ड क्लासेज इंटू टू कैटेगरीज, बैकवर्ड क्लासेज और मोर बैकवर्ड, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया था, बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड, और रिजर्वेशन की भी जो थी दिया जाने के अंतर्गत कितना दे दिया गया था, 68% तक दे दिया गया था। वो कैसे दिया गया था, 28% बैकवर्ड क्लास, 22% मोर बैकवर्ड क्लास, 15% SC और 3% ST, इन सबको मिला के 68% हो रहा था। अब केवल 32% सीट्स ऐसी बची थी जो क्या मेरिट पूल पे के आधार पे मतलब थी, निर्धारित होनी थी, तो बाकी सब लोग रिजर्वेशन से आने थे। तो अब यही बात हुई, तो इस जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मतलब जो क्लासेस हैं, जो वर्ग हैं, उन्हें हम कंसीडर करेंगे कास्ट के बेस पे ना करके, हम क्या कर रहे हैं, इन्हें कास्ट के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्लासेस के बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कंसीडर करना है सोशली और इकोनॉमिकली दोनों, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें देखना है सोशली और इकोनॉमिकली, दोनों आधारों पर देखना है। और इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन का जो लिमिट है, जो 68% यहाँ कर दी गई थी, इसको उन्होंने कहा कि भैया मैक्सिमम 50% ही रखी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और बैकवर्ड को जो है क्लास को, बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास, इसमें बांटना भी वैलिड नहीं है। तो ये तीन चार चीज़ें उन्होंने बताई, तो इस आधार पर इन्होंने ये डिसीजन दिया कि 68% गलत, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लास गलत, और दूसरा ये अगर देखी जाएंगी तो कास्ट के बेस पे ना देख के इन क्लासेस को बांटा जाएगा सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली दोनों, ये नहीं कि केवल सोशली जो बैकवर्ड है उनको इसमें, मतलब जो कास्ट सोशली बैकवर्ड है उनको इसमें शामिल कर दिया, या केवल एजुकेशनली है, दोनों कैटेगरी देखी जाएगी। अब आती है इंदिरा साहनी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया, ये आया था, इसे कहा जाता है मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मंडल कमीशन में जो रिजर्वेशन, मंडल कमीशन के आधार पर जो रिजर्वेशन 27% ओबीसीज को दिया गया था, उसके बाद में ये चैलेंज किया गया कि हम दे सकते हैं ओबीसीज को रिजर्वेशन या नहीं, या फिर कितने परसेंट देना चाहिए ये सब। तो ये जो था 9 जजेस बेंच को सुप्रीम कोर्ट की ये रेफर किया गया था, उसके बाद में इन्होंने इस चीज़ पर डिसीजन दिया और ये कहा 27% आरक्षण देना कोई गलत नहीं है। और इन्होंने कहा कि कास्ट को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कास्ट को कंसीडर क्या, बैकवर्ड क्लास में हम जो है कास्ट के आधार पर बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में भी बांट सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिसीजन किससे अपोजिट हो गया, एमआर बालाजी केस से अपोजिट हो गया डिसीजन। और इसके साथ साथ इन्होंने वो लिमिट इन्होंने भी सेट रखी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और अगर दिया भी जाए तो कुछ स्पेशल कंडीशंस ही होंगी, उसमें ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तो ये चीज़ें इन्होंने कही, तो इसका मतलब ये है रिजर्वेशन का 50%, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड वाली लिमिट, और बैकवर्ड को भी उसके हिसाब से बांट देना मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लास में, तो ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें निर्धारित कर दी। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हम मतलब रिजर्वेशन किस आधार पर दे सकते हैं और क्या। तो अब आते हैं इससे अगला क्लॉज क्या कहता है, इससे अगला क्लॉज कहता है कि क्या राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आ रहा है हर जगह, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहाँ पर केवल जो शैक्षणिक संस्थान है यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उनमें प्रवेश एडमिशन से संबंधित बात की जा रही है। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में क्या उपबंध किया गया है, प्रवेश से संबंधित आर्टिकल है ये, किसमें। अब यही चीज़ें यहाँ पर जो है जो आर्टिकल में लिखा है पहले वो समझ लीजिए। इस आर्टिकल या आर्टिकल 19(1)(g) की कोई बात राज्य को सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC/ST के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब वो इन वर्गों के लिए कोई भी क्या बना सकता है, विधि बना सकती है राज्य, और ये सब चीज़ें इसको नहीं रोकेंगे। ना तो 19(1) में कोई लिखी हुई, 1(g) में लिखी हुई कोई बात रोकेगी इसको, ना इस आर्टिकल में लिखी कोई बात इसको रोक सकती है राज्य को नागरिकों के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध करने के लिए। किससे संबंधित, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, यानी कि जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान हो वो चाहे एडेड हो या अनएडेड हो, उनमें प्रवेश से संबंधित कोई भी क्या बना सकती है, विधि द्वारा विशेष उपबंध कर सकती है, वो आरक्षण से संबंधित भी उपबंध किया जा सकता है, ये बात की गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बोल दी गई है कि जहाँ तक ऐसे उपबंध आर्टिकल 31(30)(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थान, यानी कि अल्पशिक्षक शिक्षा संस्थान है उनमें ये लागू नहीं होगा ये नियम। तो ये चीज़ें इन्होंने कही है, इसका मतलब ये हो गया फाइनली, या कहा जाए कि इनका OBCs SC/STs के लिए जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो एडेड हो अनएडेड हो, उनमें प्रवेश से संबंधित रिजर्वेशन वो कर सकती है, या फिर कोई अन्य उपबंध जो है प्रवेश से संबंधित वो कर सकती है। हो सकता है कि फीस में छूट या किस तरीके से संबंधित कोई बात भी हो सकती है, तो ये बात इसमें कही गई है, राज्य कर सकता है ऐसा व्यवस्था। अब इस अनुच्छेद को 2005 में 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वैसे 2006 में जोड़ा गया, तो ये चीज़ हो जाती है। अब आता है इससे अगला क्लॉज क्या है, 15(6) अब इसमें क्या कहा गया है, इस ये किससे संबंधित है, क्या राज्य इकोनॉमिकल बीकर बीकर सेक्शन। अब ये क्या है, ये इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति से भिन्न नागरिक, यानी कि जो ये ऊपर बात चल रही थी अभी OBC SC/ST, इनसे जो अलग अन्य नागरिक हैं और वो ये मतलब उनको इकोनॉमिकली बीकर हैं यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान क्या राज्य कर सकता है, और वो क्या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है या प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान कर सकता है। हाँ कर सकता है, इसी के लिए एक ये नया आर्टिकल मतलब नया क्लॉज जोड़ा गया है। इसमें क्या है, आर्टिकल इस आर्टिकल या आर्टिकल 19(1)(g) या आर्टिकल 19(2) की कोई बात राज्य को
4 या क्लॉज 5 में दिए गए वर्गों से भिन्न, यानी कि जो मैंने ऊपर बात की सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC और ST के लिए, आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, इनके अतिरिक्त जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात हो रही है उनके लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि EWS की उन्नति के लिए सरकार या राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। अब वो क्या कर सकता है, विशेष उपबंध विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों जो भी पिछले क्लॉज में वर्णित थे, यानी कि प्राइवेट हो, एडेड हो चाहे अनएडेड हो, किसको छोड़ के जो बात आ रही है उसको छोड़ के, मतलब जो माइनॉरिटीज़ वाली संस्थाएं थी उनको छोड़ के, तो सभी संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण मिलेगा। तो अब ये कितना मिलेगा, मैक्सिमम 10%, कुल सीटों का 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो EWS के लिए भी व्यवस्था की कर देगी। अब ये कब की गई, 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अब ये 19(2) और 30, आर्टिकल 30(1) क्या कहते हैं, 19(2) कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, लिपि या संस्कृति या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब यही बात है, इसके अलावा रिजर्वेशन की बात हो रही है जबकि ऊपर, तो यही कहा गया है 29(2) में लिखी हुई कोई बात के अतिरिक्त भी ऐसा किया जा सकता है, इसकी वजह से आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते 19(2) में लिखी 29(2) में लिखी बात के आधार पर। ऐसे ही क्या चीज़ है, 30(1) क्या कहता है, 30(1) की संस्थाएं मैंने बात की थी कि उनमें ये लागू नहीं होता है। तो क्या है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों में ने अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना की हुई है, तो उनमें ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा इनके OBC SC ST के लिए। ऐसी बात आती है कि 19(1)(g) क्या कहता है, 19(1)(g) कहता है सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो अब कोई ये कह दे कि हमने जो ये प्राइवेट संस्थान खोला है ये हमारी कारोबार है, हमारी उपजीविका है, इसका हमें अधिकार है, तो हम इसके हिसाब से कुछ भी हम मतलब अपने रूल बनाएं, हम नहीं मानेंगे राज्य की, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि 19(1)(g) की कोई बात हो या फिर कोई 29(2) की बात हो, इसके आधार पर नहीं रोका जा सकता राज्य को ये सब देने से। तो राज्य इन सब के होते हुए भी आरक्षण दे सकता है प्रवेश से संबंधित या फिर इनकी उन्नति के लिए कोई अन्य कार्य कर सकता है। तो यही बात की गई है, तो हमें समझ में आता है, शुरू से समझ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, कि राज्य इन 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 आधार ये दिए हुए हैं, केवल की बात की हुई है, इनके अलावा अन्य के लिए भेदभाव कर सकता है। अब बात आती है 15(2) क्या कहता है, ये राज्य व नागरिक दोनों को भी रोकता है भेदभाव करने से कुछ स्थानों पे, यानी कि जो कुछ स्थान है इनमें प्रवेश से नहीं रोकेगा कोई, ना राज्य रोक सकता ना कोई अन्य नागरिक रोक सकता किसी नागरिक को यहाँ पर प्रवेश से। इसी तरीके से जो कुछ ये स्थान है इनके यहाँ इसके उपयोग की बनाई कोई नहीं कर सकता, जैसे कुएं, तालाब, स्नानघाट, राज सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थान, ये हो गया। अब तीसरी बात ये आती है 15(3) क्या कहता है कि इन जो स्त्रियों बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यानी कि सकारात्मक भेदभाव कर सकता है 15(3) के अंतर्गत। ऐसे ही 15(4) में क्या बात कही गई है, 15(4) के अनुसार वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से शैक्षणिक ये 2 आधार के से पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि आरक्षण भी दे सकता है, इससे संबंधित बात आ गई। और 15(4) क्या कहता है, ये प्रवेश से संबंधित है, वो 15 ये 4 तो वर्गों की उन्नति से संबंधित था इनकी, और 15 जो 5 है वो प्रवेश से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है इन्हीं इन्हीं वर्गों के लिए, शैक्षणिक का सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, यानी कि इन 3 वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से में संबंधित विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, उन्हें आरक्षण भी दे सकता है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान अनएडेड हो चाहे एडेड हो, और सरकारी में तो ऐसा होगा ही। अब राज्य EWS के लिए भी विशेष प्रबंध कर सकता है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित, और विशेष प्रावधान भी प्रवेश से संबंधित अन्य। अब ये क्या है, 10% मैक्सिमम आरक्षण दिया जा सकता है प्रवेश से संबंधित। तो ये क्या था मेन रूप से, 3 ये कब कब जोड़े गए, एक 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा, एक 2000
ये इससे पहले वाला 2005-06 में 93वां संविधान संशोधन द्वारा, और 15-4 जो है ये कब जोड़ा गया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 जो है हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत जो था ये कंप्लीट होता है। मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले आर्टिकल 16 में।